लोकल स्पॉन्सर का वीजा है, कंपनी का वीजा है, सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, कुछ भी है, गवर्नमेंट ऑफ हमारा फुल सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि हमारे पास आ जाना, आपका ये मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आउटसाइड कंट्री का भी ऑप्शन है, वो बता दिए इसी वीडियो के अंदर। पासपोर्ट का रिन्यूअल का भी, कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही, अरबाब पासपोर्ट नहीं दे रहा, पीआरओ पासपोर्ट नहीं दे रहा, या टेक्निकल पासपोर्ट लेके भाग गया, कोई स्कैमर है पासपोर्ट लेके भाग गया, पासपोर्ट आपने नया कैसे अप्लाई करना है, और पेमेंट्स कितनी है, प्रोसेस क्या है, उसके बाद आपने पासपोर्ट को अपडेट करना है लेबर के अंदर, इमिग्रेशन के अंदर, वो भी बता दिया। उसके बाद न्यू बोर्न बेबी का पासपोर्ट आपने अप्लाई करना है, उसका फाइनल आपने अप्लाई करना है, वो सारा एक ही वीडियो के अंदर मैंने सारा बता दिया। जी अस्सलाम वालेकुम हसन अशद, चलो ये ऑप्शंस मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सीधा एमनेस्टी के ऊपर। अभी एमनेस्टी के अंदर क्या है कि अमरात गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि एमनेस्टी है, 2 मंथ की है, नेक्स्ट मंथ 1 सितंबर से एमनेस्टी स्टार्ट होगी। और इसके अंदर दो चीज़ें मैंने कल ऑलरेडी बता दी हैं, दोबारा रिपीट कर दूँ कि डे बाई डे जो इम्प्रूवमेंट होगी इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर मैं आपको डे बाई डे बताता जाऊँगा। और इसके अंदर यह है कि इसकी लोकेशन बताएंगे, हमारा गवर्नमेंट लोकेशन बताएगी जिधर जाके आपने ये अप्लाई करना है, या ऑनलाइन के अंदर क्या ऑप्शन होगी। ऑनलाइन का मतलब ये होगा आपको किसी ना किसी तहसील में जाना पड़ेगा, इस ऑप्शन को आपने अप्लाई करना है तो यह ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब किसी भी तहसील इमिग्रेशन इधर जाना होगा, या तो कोई कैंप जैसे लगे थे पिछली बार, वो भी ऑप्शन होगी, वो भी आपको मैं साथ साथ शेयर करूंगा। अभी सबसे खास चीज जो कि शायद पता हो इनको लेकिन ये नहीं बता रही, या उनको कुछ गलती लग रही है कि भाई फर्स्ट डेट आएगी सबका फाइनल स्कोर रिमूव हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसके प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो लाजिम करना पड़ेगा, जैसा कि लास्ट टाइम था सेम प्रोसेस है। लास्ट टाइम क्या था, 2 कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी कि जो इधर से कहते हमने वापस जाना है, हमने वापस नहीं आना, ठीक है, यानी कि वापस जाना इधर अभी जॉब वगैरह नहीं करनी, तो उनका क्या था, पासपोर्ट वीजा पेज आईडी कॉपी ये लेके, अगर विजिटर वीजा पे थे तो विजिटर वीजा पे पासपोर्ट पेज लेके, शारजा में कैंप लगा था, जबल अली के अंदर दुबई में कैंप लगा था, अबू धाबी के अंदर कैंप लगा था, यानी कि सब स्टेटों के अंदर कैंप लगे थे, तो उधर जाते थे, उधर जाके आपका पूरा प्रोसेस होता था, उसके बाद आपको बोला जाता था टिकट लेके आओ, फिर आप लोग टिकट लेके जाते थे, फिर आपको अप्रूवल मिलती थी, आप लोग एक्सिट कर रहे थे। उसमें से कुछ लोग वापस आ गए, कुछ लोग उधर ही रह गए, और काफी ज्यादा लोग इधर ही रह गए, वो फाइन क्लियर होने के बावजूद वो नहीं गए, ना ही उनको वीजा मिला, वो इधर ही रह गए। तो उनके लिए क्या ऑप्शन थी, हमारा गवर्नमेंट ने 6 मंथ का जॉब सीकर वीजा दिया था। आप सबको याद होगा काफी ज्यादा लोग अभी अमारात के अंदर है, मुझे मैसेज आते हैं, जॉब सीकर वीजा दिया था। अभी क्या हुआ, जॉब सीकर वीजा लेके उनकी फिर भी जॉब का कोई तरतीब नहीं था बना, तो वो अभी तक ओवरस्टे, अभी 5 साल उनको भी हो गए, अभी भी ओवरस्टे हैं। लेकिन यह कि बहुत मुबारक हो आप सबको भी, जॉब सीकर वीजा वालों को भी, आपका भी फाइन करियर होगा। मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने नहीं ये बोला, मैं किस बेस पे कह रहा हूँ कि जॉब सीकर वीजा गवर्नमेंट ने दिया था आपको, और अभी वो एमनेस्टी के टाइमों में, अभी फिर से एमनेस्टी आई है, ये आपका रेजिडेंस के अंदर शुमार किया जाता है, ये विजिट वीजे के अंदर नहीं, रेजिडेंसी के अंदर शुमार किया जाता है। तो आपको 6 मंथ के जॉब सीकर वीजा मिला था, उसके ऊपर एब्सकॉन्डिंग नहीं लगती, सीधा सीधा फाइन आया वो आपके ऊपर 5 साल का। तो ये जब 1 सितंबर आएगी आप भी कैंप में जाइएगा, अगर कैंप लगा होगा कैंप में जाइएगा, अगर कोई और इनकी पॉलिसी होगी उस पॉलिसी को आप क्लिक करना, उस जगह को फॉलो करना, आपका भी फाइन क्लियर होगा। थर्ड नंबर के ऊपर क्या चीज था, और थर्ड नंबर ये इसी अभी मौजूदा वक्त में चल रहा है ना, वो ही पिछली बार चल रहा था। अभी ये मेन पॉइंट है कि अभी जो 1 सितंबर से एमनेस्टी आई है, इसके अंदर क्या बताया गया है, हमारा गवर्नमेंट ने बोला है कि रेजिडेंस वीजे वाले, विजिट वीजे वाले नहीं, रेजिडेंस वीजे वाले जिनके ऊपर एब्सकॉन्डिंग है और उनका फाइन है, वो अप्लाई करेंगे, उनका फाइन और एब्सकॉन्डिंग क्लियर होगा, वो फिर अपने मुल्क जा सकते हैं। इसके अंदर क्या चीज है, विजिट वीजे का नहीं बताया गया, रेजिडेंसी वीजे का, और रेजिडेंसी वीजा कौन, ऑल ओवर द अमारात, पूरे अमारात के अंदर ये ऑप्शन अप्लाई की जाएगी। ठीक है, इनके कैंप्स अगर लगते हैं वो आपको बाद में बता दूंगा, या कुछ भी ऑनलाइन है वो बाद में बता दूंगा। अभी एक दो मैंने टिकटॉक के ऊपर देखा, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट डेट को जी आपका फाइनेंस कॉन्टिंग होती खत्म हो जाएगा, आप सिस्टम में चेक कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। ब्रदर लाइक सब्सक्राइब या कमेंट्स वगैरह लेने हैं, उसका कोई और तरीका कार है, बंदे पहले परेशान है,
ऐसी चबले ना मारो, मैं चबले बोलूंगा ठीक है ना, ऐसी चबले ना मारो, कोई जादुई छड़ी नहीं चलने लगी। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है अभी तक का जो मौजूदा वक्त के अंदर ये चाह रहा है, इन फ्यूचर ऑनलाइन आ जाएगा तो मोबाइल के ऊपर ही होगा या किसी भी इमिग्रेशन से हो जाएगा। लेकिन अगर कैंप लगते हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए मेरी ये सबसे खास ये वीडियो थी उस डॉक्यूमेंट्स के लिए। सबसे पहले रेजिडेंस वीजे पे थे, वीजा पेज, पासपोर्ट पेज, एमरजेंसी आईडी कॉपी, या एमरजेंसी आईडी आपके पास है वो भी बेस्ट है, नहीं तो एमरजेंसी आईडी कॉपी, ये तीन चीज आपके पास होनी चाहिए। और पहले आपने कैंप पे जाना है, कंफर्मेशन मिलेगी, फिर आपको अगर बोलेंगे टिकट लेगा, फिर टिकट लेके दोबारा कैंप पे जाना है, आपको क्लियर करके हमारा से वापस भेजा जाएगा। सेकंड जो चीज मैं बता रहा हूं, ये अभी तक किसी भाई साहब ने भी नहीं अभी तक ये सबको लागू किया कि भाई जो बंदे नहीं जाना चाह रहे वो क्या करेंगे। हमारा गवर्नमेंट ने क्या करना आप सबके साथ, ये नहीं कि आपका वीजा आईडी पासपोर्ट आया आपको जॉब सीकर वीजा दोबारा दे देंगे, दोबारा जॉब सीकर वीजा नहीं मिलने लगा। आपने करना क्या है, ये 1 सितंबर से पहले पहले क्या करें किसी भी कंपनी के साथ, लेकिन कंपनी के साथ बाहर चोर लुटेरे बैठे होंगे, उनको पता है भी अब ये लोगों को रश लगने लगा वीजे के लिए, स्कैमर्स भी अंदर ही होंगे, ज्यादा मुनाफा कमाने वाले भी अंदर ही होंगे, और चंद अच्छी कंपनियां भी होंगी, जरूरी नहीं कि हर जगह बुरे हैं, अच्छे बंदे भी होंगे जो गवर्नमेंट फीसों के अलावा आपसे 500,000 ऐसा कुछ हर बंदा रखता है, तो वो चार्ज करेंगे आपको वीजा मिलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू कंपनी से जॉब ऑफर लेटर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट और लेबर कार्ड, ये तीन चीजें जरूरी होनी चाहिए आपके पास। लास्ट कंपनी का वीजा पेज, पासपोर्ट पेज, एमरजेंसी आईडी, और सबका लेबर कैंसिल होगा ऑलरेडी, लेबर में किसी को बैन लगा हुआ है, किसी को स्कोरिंग लगा हुआ है, लेकिन लेबर कैंसिल है आपके पास पेपर मुझे मालूम। न्यू कंपनी के अंदर जॉब ऑफर लेटर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट और लेबर कार्ड। लेबर कार्ड क्यों मैं इतना लंबा कह रहा हूं, लेबर कार्ड ये लेबर की फीस ही होती है, 3,500 से 3,400 दिरहम की लेबर की फीस होती है, ऑरेंज कलर का आपका लेबर कार्ड वो होता है, उसकी पेमेंट्स होती है। जब आपकी ये पेमेंट्स होंगी ना, फिर कंफर्म है कि आपको जेन्युइन कंपनी मिली हुई है जो आपको वीजा देना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी यही प्रूफ चाहिए होता है कि भाई लास्ट कंपनी की ये डॉक्यूमेंट्स है, न्यू कंपनी की ये डॉक्यूमेंट्स है, ये अटैच करके आप जाएंगे। आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई टिकट लेके आओ, आपको बोलेंगे आपका फाइनल स्कोरिंग 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, जो भी उनका टाइम लिमिट होगा वो बताएंगे, इतने दिनों के लिए हमने क्लियर कर दिया, इतने दिनों के अंदर आपका वीजा लाजिम लग जाना चाहिए। ये वो चीज है कि जो अभी एक दो टिकटॉकर को देख के मैंने मजबूरी ये वीडियो बनाई, तो वो कह रहे हैं भाई जादू की छड़ी चल जाएगी, आप फर्स्ट डेट आएगी सिस्टम से चेक करवाओ आपका क्लियर हो गया। सीधे साधे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, ठीक है ना, आपकी वजह पे वो बैठ जाएंगे भाई हमारा तो क्लियर हो गया, फिर वो नई कंपनी का कुछ सोचेंगे, नई कंपनी उन्हें वीजा लगाएंगे तो उनका वीजा रिजेक्ट होगा, वजह क्या होगी भाई, वो उन्होंने अभी तक गवर्नमेंट से फायदा नहीं उठाया इस स्कीम का, उसके अंदर हो सकता है उनका टाइम भी जाया हो जाए। तो आप सबकी छोटी सी बेवकूफाना अल्फाज, बेवकूफाना सोच की वजह से उनका मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उनको पूरे एग्जैक्ट पेपर बताएं। और ये मैं पेपर लास्ट टाइम के लिए सोच के मैं ये पेपर आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो गल्फ न्यूज के अंदर, जो अल जजीरा के अंदर, जो न्यूज के अंदर जो आया उसके अंदर यही बोला है कि हमारा गवर्नमेंट रेजिडेंस वीजे वालों का फाइन और स्कोरिंग क्लियर करेगी, आप लोग लीगल तरीके से अपनी कंट्री जा सकती हैं। अभी उसके अंदर ये नहीं बोला कि आप इधर रह भी सकते हैं, लेकिन इधर रहने की भी ऑप्शन है, हमारा गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी बैक पे खड़ी है, आपको मौका दे रही है, आप लीगल तरीके से इधर रहे। और जितने भी भाई लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है कुछ भी है, मैं नहीं कहता मेरी वीडियो पे आओ, लेकिन सोशल मीडिया चेक करते रहो, बार बार चेक करते रहो, जो भी नई अपडेट आएगी आपको सबको वो अपडेट मिला करेगी, वो अपडेट को फॉलो करना, ठीक है। बाय नहीं जो फ्रीलांसर फसली पटेरे बैठे हुए हैं, या जेली पीआरओ, ये पीआरओ पता है ना किसे कह रहा हूं, जेली पीआरओ जो बैठे हुए हैं, इनके बातों में नहीं आना। सोशल मीडिया के ऊपर भी तकरीबन 50-60-70% ऐसी चाह रहा है भाई ये हो गया वो हो गया, वो पता ना एक वो करता है, लाइक सब्सक्राइब के लिए आपके साथ मजाक किया जा रहा है, ठीक है। आपने करना क्या है, फर्स्ट डेट को मेरी वीडियो देखनी है, नहीं देखनी मुश्किल नहीं, किसी की और की देखनी है नहीं देखनी वो भी मुश्किल नहीं, फर्स्ट डेट को किसी भी तहसील में चले जाओ, किसी भी इमिग्रेशन में चले जाओ, डायरेक्ट जाके इंफॉर्मेशन दो, मेरी भी नहीं सुनो, डायरेक्ट इमिग्रेशन जाके उनसे इंफॉर्मेशन दो, आपका फाइन एब्सकॉर्डिंग गवर्नमेंट रिमूव कर रही है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, और किसी कंपनीज वगैरह को पैसे वगैरह पूरे नहीं पकड़ाना,
कोई वीजे वाला स्कैम के अंदर नहीं आना। जिन लोगों की सिटी बैन है उनकी अभी भी बैन है, बहुत मुश्किल जा रहा है, किसी को पैसे नहीं देना कि मैं कुछ जादू मंत्र चलाऊंगा तो तुम्हारा ये सिटी बैन वाला जो सिस्टम है वो उसको मैं साइड पे कर दूंगा, आपका वीजा लगा दूंगा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ मजाक नहीं करो, ठीक है, और गवर्नमेंट मजाक बर्दाश्त भी नहीं कर रही, ठीक है, और एहतियात करें। बाकी है कि मैं इधर ही हूँ, ठीक है ना, और मेरी बेस्ट विशेस है आप सबके लिए, और दुआएं कि विजिट विजिबलों का भी जल्दी से जल्दी मैं ऐलान करूं, कभी यानी कि गवर्नमेंट जैसी ऐलान करती है मैं आप सबको अपडेट करूं, और बेस्ट विशेस जैसे वीजा वालों के लिए। लोकल स्पॉन्सर का वीजा है, कंपनी का वीजा है, सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, कुछ भी है, गवर्नमेंट ऑफ अमारात फुल सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि हमारे पास आ जाना, आपका ये मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अभी इजाजत चाहिए, सलाम अलैकुम।